हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नीतू कोहली है और आज आपका फिर से वेलकम है मेरे चैनल नीतू कोहली एकेडमी में। और आज मैं आपको अपने इस वीडियो में सिखाऊंगी ओम्ब्रे नेल एक्सटेंशन के साथ में कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए गाइज़। और हाँ, मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जो है हमें क्लाइंट के नेल्स को क्लीन करना है। अगर फ्री एज एरिया बड़ा हुआ है तो उसे नेल कटर की हेल्प से कट कर देना है और क्यूटिकल एरिया को पुश कर देना है। और अब सभी नेल्स को जो है ब्लॉब अप करना है, इस तरीके से ड्राई करना है। और ड्राई करने के बाद जो है टिप के साइजेस हमने ऑलरेडी निकाल के रखे हुए हैं। क्लीनिंग ब्रश से क्लीन करके डस्ट को ग्लू की हेल्प से हमें टिप अप्लाई करनी है। सभी नेल्स पर टिप अप्लाई करने के बाद जो है हमें टिप क्लिपर की हेल्प से या फिर जैसे कि हम टिप कटर भी बोलते हैं, उसकी हेल्प से लेंथ को कट करना है। सो इस तरीके से हमारी जो है लेंथ टिप क्लिपर की हेल्प से ईजिली कट हो जाती है। और सभी नेल्स की टिप क्लिपर की हेल्प से कट करने के बाद टिप्स को अब बारी है शेपिंग नीट करने की। और साथ ही साथ हम जो है ब्लेंडिंग लाइन कर देंगे। सो ब्लेंडिंग लाइन करने के लिए आपको जो है इस एमरी बोर्ड को यूज़ करना है। और एमरी बोर्ड के बिना जो है हमारी ब्लेंडिंग लाइन होनी बहुत मुश्किल हो जाती है। और शेप भी हम अभी ही जो भी हमें क्रिएट करनी है तो अभी ही क्रिएट कर देंगे। और अब जो है हम सारे नेल्स को पुश करने के बाद जो है ब्लॉब ऑफर की हेल्प से ब्लॉब ऑफ कर देंगे। पूरे नेल को जो है हम ड्राई कर देंगे। सभी नेल्स को ब्लॉब ऑफ करने के बाद जो है अब इस तरीके से जेल लगाएंगे हम। हार्ड जेल यूज़ कर रही हूँ मैं। और सभी नेल्स पर पतला पतला करके जेल ब्रश की हेल्प से अप्लाई करके इसे क्योर करा देंगे। और सभी नेल्स पर बेस अप्लाई करने के बाद अब जो है हम लगाएंगे बिल्डर जेल। सो बिल्डर जेल भी मैं हार्ड बिल्डर जेल ही यूज़ कर रही हूँ। वो अप्लाई करेंगे सभी नेल्स पर एक साथ और हम इसे भी क्योर करा देंगे। और सभी नेल्स पर फर्स्ट बिल्डर जेल अप्लाई करने के बाद जो है अब बारी है सेकंड बिल्डर जेल अप्लाई करने की। सो इस तरीके से सभी नेल्स के ऊपर अब हम जो है सेकंड बिल्डर जेल अप्लाई करेंगे और हम इसे भी क्योर करवा देंगे। और सेकंड बिल्डर जेल को अप्लाई करने के बाद और उसे भी क्योर कराने के बाद अब बारी है एसीटोन फ्री की हेल्प से हमें जेल वाइप करना है सारे नेल्स को, ताकि जितनी भी चिपचिपाहट है वो सारी खत्म हो जाए। और अब हम जो है जेल के जितने भी डांट्स एंड बम्स हैं एमरी बोर्ड की हेल्प से बफिंग करके हम इसे नीट करेंगे और साथ ही साथ शेप को भी दोबारा से नीट कर लेंगे।
और अब जो है दोबारा से एक बार और क्यूटिकल एरिया को पुश करने के बाद हम करेंगे सभी नेल्स को ब्लॉप ऑफ करके ड्राई अच्छे से, ताकि जितने भी एमरी बोर्ड के स्क्रैचेस हैं वो सब के सब रिमूव हो जाएं। नेल्स को ब्लॉप ऑफ करने के बाद, सारी डस्ट क्लीन करने के बाद अब बारी है हमारी कलर एप्लीकेशन की। सो हम फर्स्ट कोट अप्लाई करेंगे कलर एप्लीकेशन, क्योंकि यहाँ पर हमारे क्लाइंट को नेचुरल कलर नहीं चाहिए, तो इसलिए हम सॉलिड कलर एप्लीकेशन करेंगे, लाइक प्रॉपर जेल कलर एप्लीकेशन करेंगे उसकी। पहले फर्स्ट कोट करेंगे बहुत ही पतली पतली खींच कर सभी नेल्स पर एक साथ, और इसे भी हम जो है क्योर करा देंगे। सभी नेल्स पर फर्स्ट कोट अप्लाई करने के बाद ध्यान रखना है आपने कि हमेशा पतली से पतली कोट, जितनी हो सके पतली कोट लगे, और हम इसे भी क्योर करा देंगे। और इसे क्योर कराने के बाद जो है अब बारी है हमारे ओम्ब्रे नेल्स क्रिएट करने की। सो उसके लिए हमारे क्लाइंट ने मल्टी कलर्स चूज़ करे हैं, तो हम इस तरीके से फ्रेंच एरिया पर अप्लाई करेंगे। जितना एरिया में हमें स्मजिंग करनी है, न्योन शेड्स, प्याजी पिंक, स्काई ब्लू और हमारा ग्रीन न्योन कलर एंड पर्पल कलर सेलेक्ट किया है। तो सभी ने इस पर इस तरीके से अप्लाई करके, फ्रेंच स्ट्रेट फ्रेंच अप्लाई करके और स्पॉन्ज की हेल्प से जो है हम लाइनिंग को स्मच कर देंगे। सो मेक श्योर कि जो कलर आप एक बार यूज़ कर रहे हैं स्पॉन्ज में, और दूसरे कलर जब आप पहुँचे तो आप अपना स्पॉन्ज थोड़ा सा डिफरेंट जगह से ही करें, अदरवाइज़ एक दूसरे के ऊपर कलर आ सकता है, तो इसलिए उसका बहुत ध्यान रखना है। तो इस तरीके से फर्स्ट कोट अप्लाई करके जो है हम इसमें जो है इसे भी क्योर करा देंगे। फर्स्ट कोट को क्योर कराने के बाद अब दोबारा से हम सेम प्रोसेस को अप्लाई करेंगे, बट ध्यान रखेंगे इस प्रोसेस में हमारी जो फ्रेंच है, जितनी हमने पहले फ्रेंच बनाई थी उससे 5 to 6 हेयर लाइन ऊपर चले जाएगी, और फिर हम उस लाइन को जो है स्मच कर देंगे अगेन स्पॉन्ज की हेल्प से। और फिर उसके बाद जो है उसे स्मच करने के बाद उसे भी हम क्योर करा देंगे। सो गाइज, अगर आप हमारी एकेडमी को भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे पास बेसिक टू एडवांस नेल का कोर्स अवेलेबल है। आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास परमानेंट आई लैशेज एक्सटेंशन, परमानेंट माइक्रोब्लेडिंग आईब्रोज, परमानेंट लिप कलर और परमानेंट हेयर एक्सटेंशन की क्लासेस भी अवेलेबल हैं। सभी नेल्स के ऊपर जो है हमारा बेबी ब्लूमिंग, या जिसे कि हम बोलते हैं ओम्ब्रे, वो रेडी है, और अब बारी है इसे सील करने की। सो इसके लिए जो है मैं शाइनी वाला नॉन वाइप यूवी टॉप कोट यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो मैट फिनिश यूवी टॉप कोट भी यूज़ कर सकते हैं, बट हमारी क्लाइंट को जो है शाइनिंग वाले चाहिए, तो इसलिए हम शाइनिंग वाला यूवी टॉप कोट अप्लाई करके और कैपिंग करके प्रॉपरली नेल्स को इसे भी क्योर करा देंगे।
क्योर कराने के बाद चलिए देखते हैं फाइनल लुक। सो दिस इज़ द फाइनल लुक। आई होप गाइज आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइज, थैंक यू।